हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय पाठशाला। एंड आज हम अपना फिजिक्स एमसीक्यू का जो बेस्ट 200 एमसीक्यू की सीरीज चल रही है उसका फोर्थ पार्ट करेंगे। ठीक है, आज हम और 40 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे आज। एंड तो अभी हमारे टोटल क्वेश्चन ये सीरीज डिस्कस होने के बाद कितने हो जाएंगे, 160 क्वेश्चंस हो जाएंगे। देन इसके बाद एक और सीरीज आपकी आनी है 40 क्वेश्चंस की, तो फिर आपके टोटल 200 क्वेश्चंस फिजिक्स के बेस्ट एमसीक्यू जो मैं फिजिक्स के करा रहा हूँ तो वो आपकी एक सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो आज का ये फोर्थ लेक्चर है और जो इसे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वो एक हमारी प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट करवा दी है फिजिक्स, आप वहाँ पे जाके सर्च करिएगा कि बेस्ट 200 फिजिक्स एमसीक्यूज, है ना, बेस्ट 200 फिजिक्स एमसीक्यूज आप जा करके प्लेलिस्ट में सर्च करिएगा। ऑल दो वो प्लेलिस्ट में ऊपर ही आपको शो कर रही होगी, है ना, तो वहां से आप जा करके सारे वीडियोस को देख सकते हैं पीछे के जितने भी हैं। एंड आज जो चैप्टर है, जिन चैप्टर से आज हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, वो चैप्टर है हीट, हीट एंड रेडिएशन चैप्टर रिलेटेड है हीट और रेडिएशन से, थोड़ा बहुत अर्थ मैग्नेटिज्म से रिलेटेड एमसीक्यूज है, एंड किससे रिलेटेड है, डिस्पर्सन से, स्कैटरिंग इफेक्ट से, इन सारी चीजों से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हीट एंड रेडिएशन चैप्टर है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चंस ज्यादा होंगे और बाकी चैप्टर से भी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो और जो लास्ट पार्ट में लाऊंगा 40 क्वेश्चंस का वो लगभग मिसलेनियस होगा। क्यों? क्योंकि लगभग अगर देखा जाए तो 160 जो मैं क्वेश्चंस कराया हूं इसमें आपके सारे चैप्टर्स फिजिक्स के इंक्लूड हो जाते हैं, लेकिन कुछ है बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके लिए कोई पर्टिकुलर चैप्टर्स पढ़ाने की जरूरत नहीं है कि मैं सॉरी आपके लिए चैप्टर्स अलग अलग लेकर आऊं तभी आप कर पाओगे उन्हें। नॉर्मल आपको अगर थोड़ी बहुत उसके बारे में नॉलेज दे दी जाए तो आप उस तरह के क्वेश्चंस कर सकते हो। तो जो 40 अगली सीरीज आएगी वो लगभग मिक्स्ड क्वेश्चंस की आने वाली है। ठीक है, तो ये सीरीज स्टार्ट करते हैं। अभी फर्स्ट क्वेश्चन से हम देखेंगे लगातार 1 to 40 तक में, है ना, और ये बेसिकली अपना कौन सा क्वेश्चन है अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 नहीं, ये 121 क्वेश्चन है अपना। ठीक है, 120 क्वेश्चंस मैं पहले तीन सीरीज में कंप्लीट करा चुका हूं। ठीक है, चलिए अभी शुरू करते हैं फटाफट कि क्या है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि व्हेन अ रिंग ऑफ मेटल इज हीटेड व्हाट हैपेंस टू इट्स होल। जब एक धातु की अंगूठी या छल्ले को गर्म किया जाता है तब उसके छिद्र का क्या होता है, क्या वो फैलता है, एक्सपेंड करता है, या कंट्रैक्ट करता है, सिकुड़ता है, या इट एक्सपेंड्स और कंट्रैक्ट्स अकॉर्डिंग टू इट्स डायमीटर, वह अपने व्यास के अनुसार फैलता या सिकुड़ता है। डी ऑप्शन है इट एक्सपेंड्स और कॉन्ट्रैक्ट्स अकॉर्डिंग टू इट्स कोफिशियंट ऑफ एक्सपेंशन, वह अपने फैलाव के गुणांक के अनुसार फैलता या सिकुड़ता है। तो क्या है इसका आंसर, इसका आंसर है एक्सपेंड्स। ठीक है, क्या होता है वो जो छिद्र होता है कोई धातु या अंगूठी या छल्ला है तो क्या करते हो, जब आप उसे ऊष्मा प्रदान करते हो, उसे हीट प्रदान करते हो, तो ये देखिए अगर मैं यहाँ पे इस तरह से बनाऊं कि ये क्या है, एक रिंग है, क्या है ये एक रिंग है, है ना, ये एक रिंग है। अब इसको क्या किए, आप गर्म करना शुरू किए तो ये क्या करेगी, बाहर की तरफ एक्सपेंड करेगी, बाहर की तरफ एक्सपेंड करेगी। ठीक है, ये तो आपको पता है, लेकिन अभी आपके दिमाग में डाउट आएगा कि बाहर की तरफ एक्सपेंड करेगी क्यों, क्योंकि घनत्व जो डेंसिटी है, जो घनत्व है वो डेंसिटी क्या होगा, डेंसिटी कम होगा, डेंसिटी डिक्रीज होगी, डेंसिटी डिक्रीज होगी, क्यों, क्योंकि ये आप हीट प्रदान कर रहे हो, हीट दे रहे हो, इसको ऊष्मा दे रहे हो, तो ये क्या करेगा, इसका घनत्व घटेगा, घनत्व घटेगा तो इसका आयतन बढ़ेगा, है ना, ये बड़ी होती जाएगी। अब आपके मन में डाउट आएगा कि सर ये जो अंदर वाला एरिया था ये अंदर की तरफ क्यों नहीं जाएगा, है ना, कंट्रैक्ट क्यों नहीं होगा, एक्सपेंड की जगह कंट्रैक्ट क्यों नहीं होगा, ये सभी लोगों के दिमाग में आएगा कि यार ये जब अगर इसे गर्म करेंगे तो हो सकता है कि ये जो बीच वाला जो यहां पे छेद था तो ये क्या धीरे धीरे छोटा क्यों नहीं हो रहा है। तो बेसिकली इसको इस तरह से समझिए कि जितने यहां पे मॉलिक्यूल्स जितने रहे होंगे, जितने यहां पे उस धातु के मॉलिक्यूल रहे होंगे, तो अगर वो यहां पे आएंगे, वो अगर इस तरह से कंट्रैक्ट करेंगे, इस तरह से क्या होंगे, कंट्रैक्ट करेंगे, तो यहां पे आप एक चीज देखिए कि उनका घनत्व तो बढ़ रहा है, उनका घनत्व तो बढ़ रहा है, डेंसिटी यहां पे इंक्रीज हो रही है। ठीक है, यही वाले मॉलिक्यूल जब इस तरफ आएंगे इतने छोटे क्षेत्रफल में, इतने छोटे एरिया में, इतने ज्यादा एरिया से इतने छोटे क्षेत्रफल में आएंगे, इसका मतलब कि उनका घनत्व तो क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है ना, और ये उल्टा है, ये विपरीत है। जब आप ऊष्मा प्रदान करते हो या हीट आप देते हो तो क्या होती है, डेंसिटी घटती है, डेंसिटी बढ़ती नहीं है। ठीक है, यही कारण है कि ये छिद्र अंदर की तरफ छोटा ना होने की जगह क्या होता है, एक्सपेंड करता है, बड़ा होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्हेन हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 10 डिग्री सेल्सियस वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ वाटर विल, है ना, पानी के किसी
द्रव्यमान को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर उसका आयतन में क्या अंतर पड़ेगा, है ना? दिया वॉल्यूम गिव मास ऑफ वाटर, ठीक है? आयात में क्या असर पड़ेगा, मास में क्या असर पड़ेगा? इंक्रीजेस ग्रेजुअली, ठीक है, एंड डिक्रीजेस ग्रेजुअली, इंक्रीजेस एंड देन विल डिक्रीज, बढ़ने के बाद कमी होने लगेगी, एंड डिक्रीज एंड देन विल इंक्रीज, घटने के बाद वृद्धि होने लगेगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहले डिक्रीज होगा आयतन, आयतन क्या होगा, जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, वॉल्यूम जो है वो क्या होगा, पहले डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक वाटर की जो डेंसिटी होती है, जो घनत्व होता है, जो घनत्व होता है वो बढ़ता है, एंड 4 डिग्री सेल्सियस के बाद, 4 डिग्री सेल्सियस के बाद क्या होती है, डेंसिटी जो घनत्व होता है वो घटने लगता है, ठीक है? अच्छा, डेंसिटी 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ रही है, मतलब जो वॉल्यूम है वो क्या हो रहा है, घट रहा है, जो वॉल्यूम है वो क्या हो रहा है, घट रहा है, वॉल्यूम घट रहा है। इसी तरह जब डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस के बाद घटना शुरू हुई तो जो वॉल्यूम है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, वॉल्यूम में असर, आयतन में असर क्या होगा, पहले आयतन कम होगा, डिक्रीज होगा, देन इसके बाद आयतन इंक्रीज होने लगेगा। डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा, फाइन। चलिए यहां पे थर्ड क्वेश्चन देखते हैं कि द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट अमंग द फॉलोइंग इज, निम्नलिखित में से सर्वोत्तम ऊष्मा सुचालक है, निम्नलिखित में से सर्वोत्तम ऊष्मा सुचालक है, पहला है अल्कोहल एंड मरकरी एंड ईथर एंड वाटर। आंसर क्या होगा इसका, इसका आंसर होगा पारद मरकरी। क्या होगा इसका आंसर, पारद मरकरी, ठीक है? क्यों? क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज की पहली बार चारों ऑप्शन में इकलौता ऑप्शन क्या है, मेटल, क्या है ये, धातु है, ठीक है? ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मरकरी। ऑल्दो अल्कोहल में भी हीट ट्रांसफर होती है, क्या होती है, हीट, इसमें भी अच्छा कंडक्टर है, अल्कोहल में भी हीट कंडक्ट अच्छी होती है, लेकिन इन कंपैरिजन टू मरकरी, मरकरी के कंपैरिजन में काफी कम है। क्यों? क्योंकि सीधी बात है, मरकरी क्या है, मेटल, और मेटल वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, है ना, बहुत अच्छे ऊष्मा और विद्युत सुचालक होते हैं, ठीक है? तो और थोड़ा सा मैं आप सबको बता दूं कि एक बार अगर मैं ये बताऊंगा कि 120 क्वेश्चन की जो मैंने सीरीज कराई है और आज 160 क्वेश्चन होने वाले हैं, तो थोड़ा सा एक चीज़ ये है कि मैंने उनमें बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करा था सारी चीज़ों को, बहुत अच्छे से मैंने सारे क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया था, एकदम बढ़िया से एक्सप्लेन करके आपको समझाया हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप वो सीरीज़ को ज़रूर देखें, जितने भी बच्चे मुझे देख रहे हैं, कि आपका एग्ज़ाम आने वाला है, आपका एग्ज़ाम बहुत ही जल्दी, अगले 2 महीने में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, 2 मंथ्स आपके एग्ज़ाम को बचे हैं, और इस वक्त आप नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता कि आप जाकर के पूरे फिजिक्स के लेक्चर देखोगे, है ना, 22-23 लेक्चर जितने मैंने पढ़ाए हैं उसे देखोगे, ठीक है, और या फिर केमिस्ट्री के लेक्चर देखोगे। आपको चाहिए कि इस वक्त आपको प्रैक्टिस चाहिए, आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस चाहिए, और आपको कुछ ऐसा चाहिए कि वो क्वेश्चन करने के बाद आपको वो चीज़ें समझ में आने लगें, ठीक है? तो मैंने उनको इसीलिए बहुत अच्छे से थोड़ा टाइम लेके पढ़ाया है, 40-40 क्वेश्चन एक एक घंटे में कंप्लीट हुए हैं। तो एक घंटे में, एक तो मेरा है कि मैं उन्हें 10-15 मिनट में भी करा सकता था, क्या इजी है, सिंपल सा क्वेश्चन पढ़ो, सिंपल सा मैं आपको आंसर बता देता, देन एमसीक्यू सेशन खत्म हो जाता, लेकिन कोई मतलब नहीं है उस तरह के एमसीक्यू सेशन का। मेरा मेन मोटिव ये है कि जब मैं 40 क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, उन 40 क्वेश्चन के पीछे क्या प्रिंसिपल है, क्या एप्लीकेशन है, क्या चीज़ हो रही है, उसके पीछे का कारण क्या है, वो चीज़ें अगर मैं आपको समझा पाऊँ तो शायद मेरे 200 क्वेश्चंस कंप्लीट कराने के बाद आप अगले 2000 क्वेश्चन भी कर दोगे, अगले 2000 क्वेश्चन भी उसी एप्लीकेशन बेस्ड, मतलब वही एप्लीकेशन लगा करके, है ना, उन्हीं फार्मूला, उन्हीं लॉज का, उन्हीं नियमों का इस्तेमाल करके आप उन्हें इजिली कर सकते हो, ठीक है? तो मेरा मेन मोटिव यही है आपको 200 क्वेश्चन के सीरीज देने का, ठीक है? तो मैं चाहूंगा कि आप लोग इसे कंप्लीट देखें, आप ही लोग के लिए बेनिफिशियल है, ठीक है? मुझे तो, अगर मैं अपने लिए, तो सीधी सी बात है, मैं अपने लिए नहीं पढ़ रहा हूँ, अगर मुझे पढ़ना होता तो शायद मैं यहाँ पे ना पढ़ाता, खुद ही अपने लिए बस पढ़ लेता। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि सभी लोग इस सीरीज़ को पूरा कंप्लीट जरूर देखें, ठीक है? चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अपने फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं कि क्लियर नाइट्स आर क्लियर नाइट्स आर कोल्डर देन क्लाउडी नाइट्स बिकॉज ऑफ, जो मेघा छत्र रात की अपेक्षा निर्मल रात अधिक ठंडी होती है ना, मतलब कि अगर बादल हो, जब बादल होता है, जैसे अंधेरा है, रात है, और क्या है कि ऊपर आसमान में बादल है, तो उस दिन क्या होती है, गर्मी ज्यादा होती है, और अगर बादल नहीं होता तो उस दिन का जो तापमान होता है, उस दिन क्या होता है, मतलब कंपैरिजन में, कि जब बादल था उसके कंपैरिजन में थोड़ी ठंडक होती है, तो उसका कारण क्या है, उसका कारण क्या है, बेसिकली पहला ऑप्शन है कंडक्शन, चालन, बी ऑप्शन है कंडेंसेशन, द्रवण, सी ऑप्शन है रेडिएशन, विकिरण, एंड इंसोलेशन, सूर्यताप। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रेडिएशन, विकिरण,
है ना। अच्छा, अब रेडिएशन क्यों होगा? तो बेसिकली क्या होता है कि जैसे ये हमारी अर्थ सरफेस है, ठीक है, ये हमारी क्या है, पृथ्वी है, हमारी अर्थ है। सूर्य से क्या हुई, सूर्य से विकिरणें आई, रेडिएशंस आई सूर्य से, सूर्य से क्या हुई, रेडिएशंस हमारे पृथ्वी पे आई, दिन के टाइम पे जब सूरज था, दिन के टाइम पे पृथ्वी पे रेडिएशंस आई, ठीक है, पृथ्वी ने इनको एब्जॉर्ब किया, हमारी धरती क्या हुई, गर्म हुई, सतह गर्म हुई दिन में, ठीक है। रात में क्या हुआ कि अब ये पृथ्वी क्या करेगी, इनको रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है, इसी को जो इसने गर्मी को एब्जॉर्ब किया था, जो इसने ऊष्मा को क्या किया था, सोखा था, यही चीज अब रात को क्या होगा, उल्टा होगा, एमिट होगी, यहां से हीट एमिट करेगी अर्थ। तो हीट जो एमिट होती है वो क्या होती है, वो वापस एटमॉस्फेयर में ना जाके, ऊपर एटमॉस्फेयर में ना जाके, ऊपर स्पेस में ना जा पा, नहीं जा पाती है। और उसका ना जा पाने का कारण क्या है कि बादल रहते हैं, ठीक है, बादल किसका काम करते हैं, इंसुलेटर का काम करते हैं। इंसुलेटर मतलब वो जो ऊष्मा है, जो वो हीट है, उसको बाहर नहीं जाने देते, वो जो ऊष्मा है, हीट है, उसको क्या करना है, बाहर नहीं जाने देते हैं। और जब उसे बाहर नहीं जाने देते हैं तो क्या होता है, वहां पे तापमान बढ़ जाता है, गर्मी बढ़ जाती है, ठीक है। तो यही कारण है कि क्लियर नाइट्स आर कोल्डर देन क्लाउडी नाइट्स। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि हीट फ्रॉम द सन रीचेस द अर्थ बाई, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है। तो पहला ऑप्शन है रिफ्लेक्शन, देन कंडक्शन चालन के द्वारा, रेडिएशन विकिरण के द्वारा, या कन्वेक्शन संवहन के द्वारा, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पर रिफ्लेक्शन के लिए भी हमें किसकी आवश्यकता है, माध्यम की, मीडियम चाहिए होता है, चालन के लिए भी हमें माध्यम चाहिए होता है, कन्वेक्शन के लिए भी हमें, संवहन के लिए भी हमें माध्यम की आवश्यकता होती है, हमें मीडियम चाहिए होता है। लेकिन रेडिएशन विकिरण जो होती है, इसमें हमें किसी भी तरह की माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। अल्ट्रावायलेट किरणें हैं, जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हैं, अल्ट्रावायलेट विकिरण, उनको किसी भी तरह के माध्यम की आवश्यकता नहीं है चलने के लिए, और तभी वो क्या होती है, सूर्य से हमारे पृथ्वी तक पहुंच भी पाती है। क्यों? क्योंकि जो सूरज है और पृथ्वी है, इसके बीच में किसी तरह का माध्यम नहीं है, स्पेस में किसी भी तरह का माध्यम नहीं है, और इसी कारण से ना कंडक्शन, ना कन्वेक्शन, ना रिफ्लेक्शन, वहां पे तीनों चीजें नहीं हो सकती हैं, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, रेडिएशन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि द स्काई अपीयर्स ब्लू बिकॉज ऑफ, आकाश नीला दिखाई देने का कारण क्या है। बहुत ही नोन क्वेश्चन है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि स्काई अपीयर्स ब्लू बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर, वायुमंडलीय जल वाष्प के कारण, या बी ऑप्शन स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन, एंड सी ऑप्शन है रिफ्लेक्शन ऑन सी वाटर, समुद्री जल पर परावर्तन, एमिशन ऑफ ब्लू वेवलेंथ बाय द सन, सूर्य द्वारा नीले तरंग दैर्ध्य का उत्सर्जन। तो इसका आंसर क्या होगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन इसका स्कैटरिंग ऑफ लाइट है। और एग्जाम मेन अगर इसका बताएं कि ब्लू कलर ही क्यों दिखता है, तो बेसिकली क्या होता है कि ब्लू कलर जो होते हैं, या इससे कम वेवलेंथ वाले जो भी कलर हैं, वॉयलेट और इंडिगो, ये क्या होते हैं कि ये स्कैटरिंग इफेक्ट ज्यादा शो करते हैं, है ना, प्रकीर्णन इनमें ज्यादा होता है कंपेरिजन टू लाल कलर के, जिसकी सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है ना। ये सभी लोग को पता होगा क्या है, सात कलर क्या है, विबग्योर, ये हैं सात कलर होते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ क्या होती है, तरंग दैर्ध्य बढ़ती है, वेवलेंथ बढ़ती है, ठीक है। तो वो जो नीचे के हैं, ब्लू, इंडिगो एंड वॉयलेट, इनकी वेवलेंथ कम होती है और स्कैटरिंग ज्यादा अच्छा शो करते हैं, है ना, स्कैटरिंग इफेक्ट ये ज्यादा अच्छा शो करते हैं। यही कारण है कि जो हमारा आसमान है वो नीला दिखाई देता है, नीला कलर का, जो एटमोसफियर में पार्टिकल्स हैं, जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है हमारे वायुमंडल में, उनसे क्या करता है, स्कैटरिंग होती है लाइट का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, सेवेंथ क्वेश्चन कि टंगस्टन इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब बिकॉज, बिजली के बल्ब के फिलामेंट के निर्माण के लिए टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है क्योंकि, पहला ऑप्शन है इट्स अ गुड कंडक्टर, यह सुचालक है, बी ऑप्शन है इट इज इकोनॉमिकल, यह सस्ती होती है, एंड सी ऑप्शन है इट इज मैलिएबल, ये आघात वर्धनीय है, एंड डी है इट हैज अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, इसका गलनांक बहुत ऊंचा है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका गलनांक बहुत ऊंचा है, इट हैज अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। क्यों? क्योंकि बल्ब क्या होता है, बल्ब बहुत काफी टाइम तक जलता रहता है, जो हमारा पहले जो फिलामेंट बल्ब्स यूज होते थे, इस तरह का देखा होगा सभी ने, है ना, इस तरह से बल्ब होता है कुछ, एंड यहाँ पे क्या होता है, फिलामेंट होता है ना बल्ब का, और वो क्या करता है, जब बल्ब ग्लो करता है तो उससे बहुत ज्यादा गर्म होता है ये फिलामेंट, बहुत ज्यादा इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, गर्म होता है और बल्ब जलता रहता है काफी देर तक, है ना, रात रात भर या काफी टाइम तक जब बल्ब जलता रह जाता है तो क्या होता है, वो फिलामेंट बहुत ज्यादा
गर्म होता है, बहुत ज्यादा हीट उसमें प्रोड्यूस होती है, ठीक है। अच्छा, अगर उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, मेल्टिंग पॉइंट कम होने का मतलब कि उसका गलनांक कम होगा, तो वो क्या हो जाएगा, पिघल के टूट जाएगा, पिघल के वो टूट जाएगा और बल्ब जलना बंद हो जाएगा। इसीलिए उसे टंगस्टन से बनाया जाता है कि टंगस्टन का जो गलनांक है वो बहुत ज्यादा होता है, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है टंगस्टन की। तो उस कारण से क्या होता है कि वो बहुत ज्यादा हीट मिलने पर भी, हीट होने पर भी, बहुत ज्यादा गर्म होने पर भी वो पिघलता नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस मोर सीवर बर्न्स, निम्नलिखित में से अधिक जलन किससे पैदा होती है, बॉइलिंग वाटर से, उबलता हुआ पानी से, या हॉट वाटर से, गर्म पानी से, या स्टीम से, भाप से, एंड डी ऑप्शन मेल्टिंग आइसबर्ग, पिघलती हुई फ्लाबी बर्फ से। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर सिंपल है, स्टीम से। स्टीम से सबसे ज्यादा जल, मतलब आप जल सकते हो सबसे ज्यादा, मतलब उबलता हुआ पानी के कंपैरिजन में, या गर्म पानी के, उबलता हुआ पानी तो गर्म पानी से ज्यादा ही गर्म होता है, तो ये बी ऑप्शन तो होगा ही नहीं। बॉइलिंग वाटर और स्टीम में क्या है कि बॉइलिंग वाटर से भी ज्यादा आप स्टीम से जल सकते हो, क्यों, क्योंकि इसमें क्या होती है, एक छुपी हुई ऊष्मा होती है, क्या होती है इसमें, लेटेंट हीट होती है, क्या होती है, लेटेंट हीट होती है, ठीक है। और यही कारण है कि स्टीम क्या होती है, ज्यादा गर्म होती है, स्टीम क्या होती है, ज्यादा गर्म होती है। लेटेंट हीट है क्या, लेटेंट हीट ये है कि जैसे अगर कोई मान लीजिए एक यूनिट वाटर है, ठीक है, तो इसको आप क्या करो, इतनी हीट दो, इतनी इसको ऊष्मा प्रदान करो, इतनी हीट दो कि ये क्या हो जाए, वेपर बन जाए, ठीक है, ये क्या हो जाए, वेपर बन जाए। तो जितनी आपको हीट देनी पड़ रही है उसको वेपर बनाने के लिए, वही क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। तो जो स्टीम होती है, वाष्प होती है, उसके पास एक छुपी हुई ऊष्मा होती है, लेटेंट हीट होती है, और वही कारण है कि वो बहुत ज्यादा गर्म होती है और उससे आप बहुत ज्यादा जल सकते हो, ठीक है, गर्म उबलते हुए पानी के कंपैरिजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एटमॉस्फियर इज हीटेड मेनली बाय, वायुमंडल में प्रायः गर्मी कहां से आती है, सेम पहले क्वेश्चन की तरह ही है, पहले या दूसरा क्वेश्चन जिसमें हमने डिस्कस किया था रेडिएशन के बारे में कि जब क्लाउडी नाइट्स क्यों ज्यादा गर्म होती हैं, तो उसी की तरह वही यहाँ पे भी एक्सप्लेनेशन है, बस क्वेश्चन को दूसरी तरह थोड़ा सा घुमाया है। यहाँ पे कुछ भी इस तरह से नहीं पूछा कि क्लाउडी नाइट्स है या क्लियर नाइट्स है, यहाँ पे सिंपल सा बोला कि द एटमॉस्फियर इज हीटेड मेनली बाय, वायुमंडल में प्रायः गर्मी कहाँ से आती है, तो इसका भी आंसर वही है, क्या है इसका आंसर, रेडिएशन ही इसका आंसर है, विकिरण जो है यही इसका आंसर होगा, एंड एक्सप्लेनेशन भी वही सेम होगा, ओके। चलिए नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन, इसको देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज गॉट मोर हीट कैपेसिटी, निम्नलिखित में से किसकी ताप क्षमता अधिक है, आयरन लोहे के टुकड़े की, या वाटर की, या गोल्ड के पीस की, स्वर्ण के टुकड़े की, या बेंजीन की। तो इसका आंसर क्या होगा, सबसे ज्यादा हीट कैपेसिटी किसकी होती है, वाटर की, क्या होती है इसकी, स्पेसिफिक हीट बहुत ज्यादा होती है वाटर की, क्या होती है, स्पेसिफिक हीट बहुत ज्यादा होती है, 4200 किलो कैलोरी पर मोल के अराउंड होती है, 4200 किलो कैलोरी पर मोल के अराउंड इसकी क्या होती है, स्पेसिफिक हीट होती है। स्पेसिफिक हीट क्या होती है कि आप किसी भी चीज को, स्पेसिफिक हीट अगर मैं कहूं कि क्या होता है, तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर मतलब कि अगर आप पानी को ले लो, क्या ले लो, पानी को ले लो, एक किलोग्राम अगर आप पानी लिए, एक किलोग्राम आप पानी ले लो, उस पानी को आप क्या करो, गर्म करो, उस पानी को गर्म करो, तो जब तक उसका एक डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ नहीं जाता, क्या हो जाए, जब तक उसका एक डिग्री तापमान बढ़ नहीं जाता, तब तक आप उसे गर्मी देते रहो और उसको मेजर करते रहो, उस हीट को मेजर करते रहो, है ना। तो आपको पता चलेगा कुछ, एक अमाउंट ऑफ हीट पता चलेगी कि एक डिग्री तापमान बढ़ाने में आपको कितनी ऊष्मा देनी पड़ी, कितनी हीट देनी पड़ी, वही क्या हो जाएगी उस सब्सटेंस की। जैसे कि वाटर के लिए अगर हम देख रहे थे, तो वाटर को आप गर्म करो, वाटर को गर्म करने पर एक डिग्री जितना तापमान बढ़ा, एक डिग्री तापमान बढ़ने पर आपको कितनी हीट देनी पड़ी, कितनी ऊष्मा देनी पड़ी, वही क्या है उसका स्पेसिफिक हीट, क्या हो गया उसका स्पेसिफिक हीट हो गया, ठीक है। तो स्पेसिफिक हीट जो होती है वाटर की, वो बहुत ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा ऑलमोस्ट वाटर की ही स्पेसिफिक हीट होती है। यही कारण है कि ये कार रेडिएटर्स वगैरह में भी इस्तेमाल किए जाते हैं इंजन को ठंडा करने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, वाटर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इफ द टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस इंक्रीजेस सडनली द रिलेटिव ह्यूमिडिटी, यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि हो तो अपेक्षित आर्द्रता क्या होती है, इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है या रिमेन्स कॉन्स्टेंट होती है या फ्लक्चुएट होती है, बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, घटती बढ़ती रहती है। आंसर क्या होगा, डिक्रीज, घटती है,
क्या होती है, जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओ किसी भी जगह का, प्लेस का, अचानक से अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दो तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी घट जाती है। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी भी स्थान का जब तापमान बढ़ाते हो, तापमान बढ़ाने पर क्या हो जाती है कि मतलब कि वो जो हमारा एटमॉस्फियर है वो क्या हो गया, गर्म हो गया। एंड जो गर्म एटमॉस्फियर होता है वो ज्यादा क्या करता है, वाटर वेपर को कंटेन कर सकता है, ज्यादा वाटर वेपर को, जो वाष्प होता है, वाटर वेपर है, उसको ज्यादा रोक सकता है, ज्यादा होल्ड कर सकता है, ज्यादा वो होल्ड कर सकता है, ज्यादा वाटर वेपर को रोक सकता है। यही कारण है कि उसकी जो लेटेंट हीट है, जो लेटेंट हीट है वो क्या हो जाती है, वो डिक्रीज होती है। यहीं पे अगर क्या होता, यहीं पे क्या होता कि अगर ये इंक्रीज जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर इंक्रीज ना होने की जगह घटता, अगर टेम्परेचर इंक्रीज ना होने की जगह घटता तो उस कंडीशन में क्या होती, लेटेंट हीट क्या हो जाती, इंक्रीज होती। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, 12th क्वेश्चन कि विच कलर इज द कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऑफ येलो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और इसका कंसेप्ट आपको नहीं पता होगा तो आप नहीं कर पाओगे। रटने से ये क्वेश्चन कभी नहीं होने वाला। मैंने इसको बहुत अच्छा सा आपको डिस्पर्सन एंड स्कैटरिंग इफेक्ट ऑफ लाइट जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था उसमें बहुत अच्छे से समझाया था, विच कलर इज द कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऑफ येलो, पीले रंग का पूरक रंग कौन सा है। तो आंसर है ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज एंड रेड। ठीक है, आंसर बताने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज देख लीजिए कि प्राइमरी कलर्स कौन कौन से होते हैं। मैं एक वेन डायग्राम बना रहा हूं, यहां से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आर फॉर रेड, रेड कलर, रेड, ब्लू एंड ग्रीन, ये क्या है, ये प्राइमरी कलर होते हैं। आरबीजी या रेड, ब्लू और ग्रीन, ये प्राइमरी कलर होते हैं। इनसे मिल करके कौन सा कलर बनता है, इनसे मिल करके बनता है मैजेंटा। इनसे मिल करके क्या बनता है, मैजेंटा बनता है। मैजेंटा हो गया सेकेंडरी कलर। सियान कलर बनता है, ये भी एक सेकेंडरी कलर है। एंड क्या बनता है, येलो। क्या बनता है, येलो कलर बनता है। ठीक है, तो अब यहां से आपको समझना है कि यहां पे येलो कलर था, येलो कलर, यहां पे क्या पूछा, विच कलर इज द कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऑफ येलो, है ना, पूरक रंग कौन है। तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर का तो सबसे मतलब ये है कि येलो के साथ किस कलर के रंग को जोड़ें, किस रंग को येलो के साथ जोड़ें कि वो सफेद हो जाए, क्या हो जाए, वाइट हो जाए। ठीक है, यही मतलब है कि कॉम्प्लीमेंट्री कलर का यही मतलब है कि उस कलर के साथ अगर दूसरे कलर को हम जोड़ें तो वो क्या हो, वाइट हो जाए, क्या हो जाए, सफेद हो जाए। ठीक है, तो इसका उल्टा ये होता है कि जैसे अगर रेड और ग्रीन से मिलकर के सेकेंडरी कलर क्या बन रहा है, येलो, द्वितीयक रंग क्या बन रहा है, पीला बन रहा है, तो उसके सामने कौन है, ब्लू है ना, तो वो ब्लू का क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर है। क्यों, क्योंकि आरबीजी आर प्लस बी प्लस जी मिलकर के क्या बनाते हैं, व्हाइट लाइट बनाते हैं। आरबीजी मिलकर के क्या बनाते हैं, व्हाइट लाइट। और आर और जी मिलकर के क्या बना रहे हैं, येलो, येलो बना रहे हैं, येलो प्लस ब्लू क्या बन रहा है, व्हाइट लाइट बन रहा है। तो यहां पे जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा वो ब्लू का, वो येलो होगा। तो ये तो एक क्वेश्चन हुआ। एग्जाम में दूसरा क्वेश्चन पूछ लेगा कि ग्रीन का कॉम्प्लीमेंट्री कलर, तो मैजेंटा होगा। इसी तरह एग्जाम में आपसे पूछ लेगा रेड का कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या है, तो वो क्या होगा, सियान होगा का कलर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहां पे 13th कि थर्म इज द यूनिट ऑफ, थर्म किसका यूनिट है। ये काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, थर्म देखते ही हमें पता चल जाता है, कुछ थर्मामीटर टाइप का फील आता है कि थर्म किसकी यूनिट है, ये ऊष्मा की यूनिट है, हीट की यूनिट है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14th क्वेश्चन कि व्हाई टू थिन शर्ट्स कैन कीप अस वार्मर देन अ सिंगल थिक शर्ट इन विंटर। शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा दो पतली कमीजों में हमें अधिक गर्म क्यों रखी मतलब हमें अधिक गर्मी क्यों महसूस होती है या अधिक गर्मी क्यों मिलती है। तो इसका आंसर है ऑप्शंस हैं कि टू थिन शर्ट्स बिकम थिकर सो प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ हीट। दो पतली कमीजें अधिक मोटी हो जाती हैं अतः ऊष्मा के संचरण को रोकती हैं। एयर लेयर बिटवीन टू शर्ट्स वर्क एज गुड कंडक्टर, दो कमीजों के बीच वायु की परत सुचालक के रूप में कार्य करती है। एयर लेयर बिटवीन टू शर्ट्स बिहेव्स लाइक इंसुलेटिंग मीडिया, दो कमीजों के बीच वायु की परत आवोधी माध्यम के रूप में काम करती है। नो रेडिएशन ऑफ हीट टेक्स प्लेस, ऊष्मा का विकिरण नहीं होता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा आपका सी ऑप्शन, एयर लेयर बिटवीन टू शर्ट्स बिहेव्स लाइक इंसुलेटिंग मीडिया। क्या होता है,
बात को समझिए कि एयर क्या है, ये एयर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट ट्रांसफर है। एयर एक अच्छा ऊष्मा का सुचालक नहीं है, एयर से आपकी हीट ट्रांसफर अच्छी नहीं होती है। पहले आपने एक कपड़ा पहन रखा था, आपको ठंडी लग रही थी, आपने ऊपर से दूसरा पहन लिया। उनके बीच में क्या है, उनर है। उन दोनों के बीच में क्या है, यहाँ पे एयर है। और ये एयर क्या है, ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट ट्रांसफर है, है ना। तो यही कारण है कि जब क्या होगा, एक तरह का इंसुलेटर का काम करेगा, मतलब ऊष्मा को बाहर जाने ही नहीं देगा, ये हीट को बाहर जाने ही नहीं देगा, और आपको क्या होगी, गर्मी महसूस होगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एयर लेयर बिटवीन टू शर्ट्स बिहेव्स लाइक इंसुलेटिंग मीडिया। फाइन, चलिए 15th क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्टिकल इल्यूजन, निम्नलिखित में से दृष्टि भ्रम कौन सा है, इंद्रधनुष, अर्थशाइन, भूदीपति, हेलो, प्रभामंडल या मिरेज, मरीचिका। ठीक है, तो क्या है इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा मिरेज। जो मरीचिका होती है, जो मिरेज होता है, वो क्या है, ऑप्टिकल इल्यूजन है। ठीक है, मिरेज रियल में नहीं होता है, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण बनता है। ठीक है, तो ऑप्टिकल इल्यूजन क्या हो जाएगा, मिरेज। इंद्रधनुष मतलब ऑप्टिकल इल्यूजन नहीं है, ऑप्टिकल इल्यूजन इंद्रधनुष नहीं है। अर्थ साइन क्या होता है, अर्थ साइन मैं बता देता हूं थोड़ा सा आपको, कि जैसे चंद्रमा होता है, चंद्रमा पे मान लीजिए इतने भाग पे सूर्य की रोशनी पड़ रही है, तो चंद्रमा आपका चमकता हुआ दिखाई देता है। लेकिन यहीं पे पृथ्वी है, पृथ्वी में क्या होता है, हमारे सन से हमारी अर्थ पे क्या आती है, लाइट आती है, हमारे सन से हमारी अर्थ पे लाइट आती है, और ये रिफ्लेक्ट हो करके कहाँ पे जाती है, चंद्रमा पे जाती है, और उस कारण से चंद्रमा का कुछ वो जो बचा भाग जो सूरज के सामने नहीं है, वो भी हल्का सा उजाला दिखता है। हल्का सा क्या होता है, आप देखते होगे, कभी ध्यान दिए होगे, पूरा चंद्रमा दिखता रहता है, लेकिन इतना भाग बहुत ज़्यादा चमकता रहता है, और इतना बस दिखता रहता है कि वहाँ ऐसा लगता है कि लाइट है ही नहीं, है ना, लेकिन वो आपको फिर भी दिखता रहता है। तो उसी को कहते हैं अर्थ साइन। वो हमारे पृथ्वी से जो सूर्य की किरणें हैं उनके रिफ्लेक्शन के कारण वो हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 16th क्वेश्चन, कि अ गैप इज लेफ्ट बिटवीन टू रेलवे रेल्स ऑफ अ रेलवे ट्रैक टू एकोमोडेट ऑफ द मेटल, दो रेल पटरियों के बीच धातु के निम्नलिखित में से किस प्रयोजन के लिए गैप छोड़ा जाता है, एरियल एक्सपेंशन, क्षेत्रीय प्रसार के लिए, वॉल्यूम एक्सपेंशन, प्रबलता विस्तारण के लिए, एंड लीनियर एक्सपेंशन रेखीय प्रसार के लिए, या अपेरेंट एक्सपेंशन आभासी प्रसार के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा सिंपल सा लीनियर एक्सपेंशन। क्या हो जाएगा इसका, लीनियर एक्सपेंशन आंसर हो जाएगा। क्या होता है कि जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं, रेलवे ट्रैक्स के बीच में क्या होता है, थोड़ा सा गैप इनके बीच में छोड़ा जाता है, कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, जब बहुत ज़्यादा इन पे हीट पड़ती है, सूरज की रोशनी पड़ती है, तो क्या होते हैं, गर्म करते हैं। गर्म पड़ने पर क्या होता है, जैसे ये गर्म पड़ेंगे तो इनका घनत्व तो क्या होगा, कम होना शुरू होगा, और ये क्या होगा, फैलना शुरू करेंगे, और फैलेंगे तो किस दिशा में फैलेंगे, ये इस दिशा में फैलेगा। तो दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ा जाता है, कि ये दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप रहेगा, तो अगर वो कुछ एक्सपेंड करेंगे, कुछ वो अगर बढ़ते हैं, कुछ वो फैलेंगे, तब भी दोनों एक दूसरे से कभी मिलेंगे नहीं, है ना, एक दूसरे से कभी मिलेंगे नहीं। ठीक है, तो यही कारण है। और ये यहाँ पे शो क्या कर रहा है, इस तरह का दोनों का इधर एक डायरेक्शन में, इस तरह से समझिए कि इस दिशा में इसका एक्सपेंशन, इसका इस दिशा में एक्सपेंशन, क्या शो करता है, लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है, अच्छा, वॉल्यूम एक्सपेंशन क्या शो करता है, दूसरा, जैसे एरियल एक्सपेंशन या वॉल्यूम एक्सपेंशन, क्षेत्रीय प्रसार या वॉल्यूम कह दें तो किसमें, प्रबलता विस्तारण के लिए। ठीक है, या आयतन में, अगर आयतन का जो विस्तार होता है तो वो क्या होगा, वॉल्यूम मतलब पूरा एक बल्क क्या हो, अचानक से बड़ा होना शुरू हो जाए, पूरा एक बल्क अचानक से बड़ा होना शुरू हो जाए, या एरिया मतलब एरिया, ये आपकी इतनी थी, एरिया आपकी बड़ी होनी शुरू हो जाए। ठीक है, तो ये एरियल एक्सपेंशन कहलाएगा। उसी तरह ये क्या था, ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में बढ़ रहा है, एक ही दिशा में इसका एक्सपेंशन हो रहा है, तो उसे कहेंगे लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है, रेखीय प्रसार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 17th नंबर, कि वाटर इज यूज्ड इन कार रेडिएटर्स बिकॉज ऑफ, कार रेडिएटर में पानी का प्रयोग निम्नलिखित में से किस कारण से किया जाता है, तो लो डेंसिटी निम्न घनत्व, या इजी अवेलेबिलिटी आसान उपलब्धता, हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी उच्च विशिष्ट ऊष्मा क्षमता, या डी ऑप्शन लो बॉइलिंग पॉइंट, निम्न
कथनांक के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा, मैंने पहले ही अभी थोड़ी देर पहले समझाया था, हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और मैंने बताया था कि वाटर की बहुत ज्यादा होती है, वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, 4200 किलो कैलोरी पर मोल के अराउंड होती है, किलो कैलोरी पर मोल के अराउंड वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है ना, ये बहुत ज्यादा ऊष्मा को क्या कर सकता है, सोख सकता है, बहुत ज्यादा हीट एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है, इसीलिए ये कार रेडिएटर्स में यूज किया जाता है, फाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी 18 नंबर, कि द टेम्परेचर विच हैज द सेम रीडिंग ऑन बोथ फारेनहाइट एंड डिग्री सेल्सियस स्केल्स इज, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट सभी लोगों को ये इसका आंसर ही रटा है कि इसका आंसर सर -40 डिग्री होगा, ठीक है। मेरा क्वेश्चन लेने का मतलब या मेन मोटिव ये भी नहीं था कि मैं आपको बस ऑप्शन बता करके निकलूंगा, मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूँ जो कि ज्यादा यूजफुल है, हो सकता है कभी आपसे डायरेक्ट ये ना पूछे कि दोनों सेंटीग्रेड और फारेनहाइट कहाँ पे इक्वल होते हैं, कुछ और अगर आपको टेम्परेचर दे दे कि इतने डिग्री सेल्सियस को फारेनहाइट में क्या कहते हैं, तो उसके लिए ये क्वेश्चन है कि किस तापमान पर फारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने एक ही रीडिंग होती है, पैमानों पर एक ही रीडिंग होती है, तो क्या है इसका फॉर्मूला, क्या है, C/5 = F-32/9, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है C/5 = F-32/9 सेंटीग्रेड और फारेनहाइट के बीच में रिलेशन बताने को। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या पूछा है, बोल रहा है कि सेंटीग्रेड और फारेनहाइट एक ही हो गए हैं, एक बराबर सो हो रहा है किसमें, आपके पैमाने पे, ठीक है, तो आप किसी भी एक को वही रिप्लेस कर दीजिए, मैंने फारेनहाइट की जगह सेंटीग्रेड कर दिया, मैंने फारेनहाइट की जगह सेंटीग्रेड कर दिया, ये क्या हो जाएगा 9C = 5C - 140, क्या हो जाएगा, सॉरी यहां पे 5 2 10, 5 3 15 160, ठीक है, यहां से क्या होगा 4C आएगा ऑप्शन -160, यहां से C कितना आ जाएगा -40, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है, ये याद रखेंगे C/5 = F-32/9, तो ये ज्यादा यूजफुल रहेगा आपके लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर देखेंगे कि विच कलर ऑफ लाइट शोज मैक्सिमम डेविएशन व्हेन पास्ड थ्रू अ प्रिज्म, प्रिज्म से गुजारने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक बिखरता है ना, सबसे ज्यादा कौन सा डिस्पर्स होता है, विचलन दर्शाता है, ठीक है, सबसे ज्यादा डिस्पर्सन मतलब सबसे ज्यादा कौन सा डेविएट होता है, सबसे ज्यादा कौन सा कलर मुड़ता है, तो यहाँ पे आंसर सॉरी ऑप्शन है कि व्हाइट श्वेत एंड बी ऑप्शन है रेड लाल, सी ऑप्शन है वायलेट एंड डी ऑप्शन है ग्रीन। तो क्या होता है, जैसे कि अगर व्हाइट लाइट हो, ये हमारा एक प्रिज्म लेते हैं, एक प्रिज्म है, ठीक है, और इसमें अगर आप व्हाइट लाइट डाल रहे हो, इसमें आप व्हाइट लाइट डाल रहे हो, तो क्या होगा, ये सात रंगों में बंटेगी, किसमें बंटेगी, सात रंगों में ये बंटेगी, ठीक है, और इसमें ऊपर की तरफ रेड होगा, ठीक है, इसी तरह ये सात कलर में बंट जाएगी, और उसमें किसके हिसाब से बटेगी, तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ के हिसाब से बटेगी, जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है वो सबसे कम डेविएट होती है, सबसे कम क्या होती है, डेविएट होती है, ठीक है, और जिसकी वेवलेंथ सबसे कम है वो सबसे ज्यादा डेविएट होती है, सबको याद है विबग्योर, नीचे से ऊपर की तरफ आप लिख दो विबग्योर, ठीक है, सिंपल सी बात है, सबसे कम कौन, सबसे ज्यादा कौन डेविएट हो रही है, वॉयलेट लाइट सबसे ज्यादा डेविएट हो रही है, ठीक है, बैगनी रंग जो है वॉयलेट लाइट वो सबसे ज्यादा डेविएट हो रहा है, और रेड लाइट सबसे कम डेविएट हो रही है, ठीक है, ये तो इजी है, ये ऑलमोस्ट सभी लोगों को आता होगा। नेक्स्ट देखते हैं 20 क्वेश्चन कि अ बॉडी एब्जॉर्ब्स हीट मोस्ट ऑफ इट्स, कई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह ब्लैक एंड रफ होता है, काला और खुरदुरा, ये याद कर लीजिए, सिंपल सा है, ब्लैक एंड रफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आउटसाइड ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स आर जनरली लेफ्ट ब्लैक फ्रॉम बिलो बिकॉज, है ना, खाना पकाने के बर्तनों के नीचे का बाहरी हिस्सा काला छोड़ा जाता है, काला नहीं हो गया यहाँ पे, ठीक है, काला छोड़ा जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा कि बेसिकली क्या होता है कि ब्लैक जो सब्सटेंस होते हैं वो क्या होते हैं, ऊष्मा को बहुत अच्छा सोखते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, और ऊष्मा को बहुत अच्छा एब्जॉर्ब करते हैं, और ऊष्मा का बहुत अच्छे अवशोषक होते हैं, बहुत अच्छे अवशोषक होते हैं वो ऊष्मा के, तो इसीलिए क्या होता है, जो कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं, बर्तन होते हैं, उनकी बाहरी परत को काली कर दी जाती है, उन्हें काला ही छोड़ दिया जाता है, पॉलिश नहीं किया जाता, क्यों, क्योंकि बहुत अच्छा ऊष्मा को अवशोषित करेंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्लैक सरफेस इज अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट, काली सतह ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है, ठीक है, तो इसका सिंपल आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22
कि अ वाइट एंड स्मूथ सरफेस इज, एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है, गुड एब्जॉर्बर एंड गुड रिफ्लेक्टर ऑफ हीट, बैड एब्जॉर्बर एंड गुड रिफ्लेक्टर ऑफ हीट, गुड एब्जॉर्बर एंड बैड रिफ्लेक्टर ऑफ हीट, बैड एब्जॉर्बर एंड बैड रिफ्लेक्टर ऑफ हीट। तो क्या होगा कि जैसे जो ब्लैक होता है, ब्लैक क्या होता है, वो हीट को क्या करता है, अवशोषित अच्छा करता है और उत्सर्जित कम करता है या परावर्तित कम करता है, ठीक है। तो उसी का उल्टा सफेद होगा वाइट का, जस्ट अपोजिट ब्लैक होगा। तो वाइट क्या होगी, वाइट जो होगी वो बैड एब्जॉर्बर होगी, है ना, बैड एब्जॉर्बर होगा और क्या होगा, गुड रिफ्लेक्टर होगा, किसका, हीट का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अ वाइट एंड स्मूथ सरफेस इज बैड एब्जॉर्बर एंड गुड रिफ्लेक्टर ऑफ हीट, ताप की अच्छी अवशोषक तथा अच्छी, सॉरी यहाँ पे अच्छी नहीं होगा, है ना, खराब होगा, ताप की खराब अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि एक्स रे रीजन लाइज बिटवीन, एक्स रे क्षेत्र स्थित है अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल रीजन के बीच में, ठीक है, पराबैंगनी और दृश्य क्षेत्र के बीच, दृश्य और अवरक्त क्षेत्र के बीच, विजिबल एंड इंफ्रारेड रीजन। सी ऑप्शन है गामा रेज एंड अल्ट्रावायलेट, गामा रे और पराबैंगनी क्षेत्र के बीच, या डी ऑप्शन शॉर्ट रेडियो वेव्स एंड लॉन्ग रेडियो वेव्स के बीच, ठीक है, लघु रेडियो तरंगों और दीर्घ रेडियो तरंगों के बीच। तो ये कहां पे आएगा, एक्स रेज आपकी कहां पे आएगी, गामा रेज और अल्ट्रावायलेट रेज के बीच में आएगी, कहां आएगी, गामा रेज और अल्ट्रावायलेट रेज के बीच में आएगी। एक छोटी सी यहां पे आपको मैं एक ट्रिक बता रहा हूं, या आप ट्रिक ना कहें तो मेरे रटने का तरीका ही कह लें इस चीज को, ठीक है। मैं यहां से लिखता हूं कि आर एम आई वी यू एक्स वाई, ऑलमोस्ट बहुत बच्चे भी इसी तरह याद किए होंगे, आर एम आई वी यू एक्स वाई, ऊपर से नीचे की तरफ याद करें, ये होता है रेडियो वेव्स, ये होता है रेडियो वेव्स, ये होता है माइक्रोवेव्स, ये होता है इंफ्रारेड, ये होता है इंफ्रारेड, ये क्या होता है विजिबल लाइट, ये क्या होता है विजिबल लाइट, ये क्या होता है अल्ट्रावायलेट, ये एक्स रेज, ये क्या होती है गामा रेज, क्या होती है गामा रेज। तो यहां पे पूछा है एक्स रेज किसके बीच में, तो एक्स रेज गामा और अल्ट्रावायलेट रेज के बीच में होती है, कहां होती है गामा और अल्ट्रावायलेट रेज के बीच में होती है। आपको क्या रखना है, आर एम आई वी यू एक्स वाई आपको याद रखना है, ओके। तो यहां पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, गामा रेज एंड अल्ट्रावायलेट रेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 24th, कि इन अ फिलामेंट टाइप ऑफ लाइट बल्ब मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम्ड अपीयर्ड एज, तंतु प्रकार के प्रकाश बल्ब में प्रयोग की गई अधिकांश विद्युत शक्ति प्रकट होती है विजिबल लाइट के रूप में, या इंफ्रारेड अवरक्त किरणों के रूप में, या अल्ट्रावायलेट रेज के बीच रूप में, पराबैंगनी किरणों के रूप में, या फ्लोरेसेंट लाइट प्रदीप्त प्रकाश के रूप में। तो इसका आंसर क्या होगा, फिलामेंट टाइप लाइट बल्ब मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम, जो इलेक्ट्रिक पावर वो कंज्यूम करते हैं, मतलब कि जब बल्ब जलता है तो वो किस तरह से इलेक्ट्रिक जो पावर कंज्यूम हो रही है वो आपको किस तरह से दिखती है, जो इलेक्ट्रिक पावर क्या हो रहा है कि एनर्जी खत्म तो हो नहीं रही है, पावर कंज्यूम हो रही, मतलब एनर्जी खत्म तो नहीं होती जा रही ना, एनर्जी बस कन्वर्ट होकर दूसरे फॉर्म में आपको मिलेगी, है ना, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो यहां पे क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम तो हो रहा है, लेकिन वो अब हमें दिख किस तरह से रहा है, तो वो दिख किस तरह से रहा है, वो इंफ्रारेड रेज की तरह से दिखता है, किस तरह दिखता है, इंफ्रारेड रेज या अवरक्त किरणों के रूप में दिखता है, इंफ्रारेड रेज या अवरक्त किरणों के रूप में दिखता है, ये आपको याद रखना है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशंस हैज द लीस्ट वेवलेंथ, सबसे कम वेवलेंथ किसकी होगी, सबसे कम वेवलेंथ होगी गामा रेज की, सबसे कम वेवलेंथ किसकी होगी, गामा रेज की, आर एम आई वी यू एक्स वाई, गामा रेज मतलब वाई, ठीक है, ये क्या है, ये है फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी के बढ़ने का, फ्रीक्वेंसी के बढ़ने की क्रम, ये क्या है, ये क्या है वेवलेंथ के बढ़ने का क्रम, वेवलेंथ के बढ़ने का क्रम, तरंग दैर्ध्य के बढ़ने का क्रम ऊपर से नीचे, और फ्रीक्वेंसी जो होती है उसके बढ़ने का क्रम नीचे से ऊपर। तो क्या होगा, गामा किरण की क्या होगी, लीस्ट वेवलेंथ, सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसकी होगी, गामा की, सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य किसकी होगी, रेडियो वेव्स की होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 26th क्वेश्चन, कि लाइट स्कैटरिंग टेक्स प्लेस इन, प्रकाश बिखराव किसमें होता है, प्रकाश बिखराव किसमें होता है, बहुत ही नोन क्वेश्चन है, किसमें होता है, कोलाइडीय घोल में होता है, प्रकाश का बिखराव कोलाइडल सॉल्यूशन में होता है, ये भी आपको याद रखना है, एसिडिक सॉल्यूशन या इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन या बेसिक सॉल्यूशन किसी में नहीं होता, कोलाइडल सॉल्यूशंस में क्या होता है, लाइट का स्कैटरिंग होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन कहें या प्रकाश का बिखराव किसमें होता है, कोलाइडीय घोल में होता है, ओके।
चलिए नेक्स्ट दे देखते हैं 27 कि मैग्नेटिक कीपर्स आर यूज टू प्रोटेक्ट मैग्नेट फ्रॉम, चुंबक रक्षकों का प्रयोग चुंबकों को किससे बचाने के लिए किया जाता है। तो ये किससे बचाने के लिए किया जाता है चुंबकों को, जो मैग्नेटिक कीपर्स होते हैं तो उनको क्या अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से क्या बचाने के लिए किया जाता है, या इफेक्ट ऑफ अदर मैग्नेट अन्य चुंबकों का प्रभाव से बचाने के लिए, या स्वतः विचुंबकन या सेल्फ डीमैग्नेटाइजेशन से बचाने के लिए, या डीमैग्नेटाइजेशन ड्यू टू हीटिंग के कारण विचुंबकन से बचाने के लिए, किसके लिए मैग्नेटिक कीपर्स चुंबक रक्षकों का इस्तेमाल किया जाता है, किसके लिए किया जाता है सेल्फ डीमैग्नेटाइजेशन। सेल्फ डीमैग्नेटाइजेशन मतलब कि वो जो चुंबक है वो धीरे धीरे खुद ही क्या होता है अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज खोने लग जाता है, चुंबक खुद ही अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज समय के साथ धीरे धीरे खोने लग जाता है, इसलिए मैग्नेटिक कीपर्स का यूज किया जाता है, चुंबक रक्षकों को यूज किया जाता है, उनमें उन चुंबकों को रखा जाता है, उन मैग्नेटिक कीपर्स में उन चुंबकों को रखा जाता है जिससे उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बनी रहती हैं। क्या बनी रहती हैं उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बनी रहती हैं, वो अपना चुंबकत्व को नहीं खोते हैं, है ना, वो अपने चुंबकत्व को नहीं खोते हैं। तो किससे बचाने के लिए, सेल्फ डीमैग्नेटाइजेशन से बचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट्स इज ड्यू टू, सिंपल सा डिफिनेशन पूछना है कि द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स 7 कलर इज कॉल्ड डिस्पर्शन ऑफ लाइट, इज कॉल्ड डिस्पर्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परिक्षेपण। ठीक है, श्वेत प्रकाश के घटकों में विभाजन किसके कारण होता है, परिक्षेपण के कारण, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। ये सीधी क्या पूछ रहा है आपसे, डिफिनेशन पूछा है, डिस्पर्शन की डिफिनेशन ही फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में, क्वेश्चन मार्क के फॉर्म में बना के आपसे पूछ रहा है कि द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट इज ड्यू टू डिस्पर्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29 कि व्हाट हैज मैक्सिमम वाटर हैज, सॉरी यहां पे मिसप्रिंट है, रियली सॉरी, यहां पे वाटर होगा। ओके, वाटर हैज मैक्सिमम डेंसिटी एट, जल का सर्वाधिक घनत्व किस पर होता है, सबसे ज्यादा जल का सर्वाधिक घनत्व कब होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पे सबसे ज्यादा डेंसिटी होती है। इसी सेशन में मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक डेंसिटी क्या होती है वाटर की, बढ़ती है डेंसिटी, क्या होती है, बढ़ती है, और 4 डिग्री सेल्सियस पे डेंसिटी मैक्सिमम होती है। फाइन, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 30 नंबर कि आइस इज प्लेस्ड इन सॉडस्ट बिकॉज, बर्फ को बुरादे में पैक क्यों किया जाता है, सॉडस्ट विल नॉट गेट मेल्टेड इजली, बुरादा आसानी से पिघलने नहीं देता, सॉडस्ट इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, बुरादा ऊष्मा का कुचालक होता है, सॉरी, सॉडस्ट इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट, बुरादा ऊष्मा का सुचालक होता है। ठीक है, यहाँ पे बुरादा ऊष्मा का कुचालक था, यहाँ पे सुचालक है, ओके, कंफ्यूज मत होइएगा। एंड सॉडस्ट डज नॉट स्टिक टू द आइस, बुरादा बर्फ से चिपकता नहीं है, बुरादा बर्फ से चिपकता नहीं है, ये तो कोई मतलब भी नहीं हुआ। ठीक है, आंसर क्या होगा, आंसर जो इसका होगा कि सॉडस्ट इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, जो बुरादा है वो ऊष्मा का कुचालक होता है, बुरादा किससे बना होता है कि लकड़ी है, लकड़ी को क्या करें आप, लकड़ी को एक तरह से क्या करें, किस दें, इन द सेंस कि इसको बुरादे में छोटे छोटे पार्टिकल्स में जब आप बांटोगे तो क्या होगा, इनके बीच में क्या होगी, एयर ट्रैप हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इनके बीच में हवा हो जाएगी और हवा मैंने बताया कुचालक होती है ऊष्मा की एक अच्छी कुचालक होती है एयर। ठीक है, तो उस कारण से क्या होगा, जब हीट ट्रांसफर ही नहीं होगी, एक इंसुलेटर का काम करेगा तो वो क्या होगा, बर्फ को पिघलने से रोकेगा। तो सॉडस्ट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, बुरादा ऊष्मा का कुचालक होता है, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्राइमरी कलर, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है, प्राथमिक रंग मैंने बताया है रेड ब्लू एंड ग्रीन होते हैं, RBG क्या होते हैं, R+B+G क्या बनाते हैं, हमेशा व्हाइट लाइट बनाते हैं, तीन मिलकर के। येलो क्या है, येलो सेकेंडरी रंग है, क्या है ये, सेकेंडरी कलर है, द्वितीयक रंग है, कौन कौन से थे, मैजेंटा प्लस सियान प्लस येलो, ये मिलके क्या बनाते हैं, ब्लैक।
क्या बनाते हैं, ये ब्लैक काला रंग बनाते हैं, ठीक है। तो सेकेंडरी कलर्स मिलकर के, जो सेकेंडरी कलर्स या द्वितीयक रंग होते हैं वो मिलकर के ब्लैक बनाते हैं, जो प्राइमरी कलर्स होते हैं, जो प्राथमिक रंग होते हैं, जो प्राइमरी कलर्स होते हैं वो मिलकर के व्हाइट लाइट बनाते हैं, व्हाइट कलर बनाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 32 कि टू डिटेक्ट इनविजिबल राइटिंग्स एंड फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स, जाली दस्तावेज, जाली दस्तावेज या इनविजिबल राइटिंग, है ना, अदृश्य लेखन या जाली दस्तावेज का पता लगाने के लिए हम कौन सी किरणों का इस्तेमाल करते हैं, किस तरह की रेज का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन है गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, पराबैंगनी किरणें या विजिबल लाइट, है ना। तो किसका यूज करते हैं हम, अल्ट्रावायलेट रेज का यूज करते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। पराबैंगनी किरणों का हम यूज करते हैं, क्या करते हैं, जाली दस्तावेजों, जाली दस्तावेज या अदृश्य लेखन का पता लगाने के लिए, फाइन। नेक्स्ट है 33 क्वेश्चन कि व्हेन अ रेड लाइट इज एक्सपोज्ड ऑन अ येलो फ्लावर इट विल अपीयर्स, इट विल अपीयर, जब लाल कलर की लाइट सिंगल वेवलेंथ, एक तरंग दैर्ध्य वाली लाइट, लाल कलर की लाइट को, रेड लाइट को आप किसके ऊपर डालते हो, रेड लाइट को आप किसके ऊपर डालते हो, येलो कलर का फ्लावर के ऊपर, किसके ऊपर डालते हो, एक मैंने एक ये येलो कलर का एक फ्लावर ले लिया, एक येलो कलर का फ्लावर ले लिया, उसके ऊपर आप रेड कलर की लाइट डाल रहे हो, ठीक है। तो क्या होगा, क्या होगा कि येलो फ्लावर क्या करेगा, येलो फ्लावर रेड कलर की लाइट को एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा, सोखेगा ही नहीं, उसका अवशोषण करेगा ही नहीं रेड लाइट को, वो क्या करेगा, उसको रिफ्लेक्ट कर देगा, वो क्या करेगा, उसको रिफ्लेक्ट कर देगा, उसको परावर्तित कर देगा, और वो किस कलर का दिखेगा, वो लाल कलर का ही दिखेगा, रेड कलर का ही दिखेगा। अच्छा, वो कब रिफ्लेक्ट करेगा, कब एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, ये किस पे निर्भर करता है, ये निर्भर करता है वेवलेंथ पे। जैसे कि विबग्योर ये मैंने बना दिया, नीचे से ऊपर क्या हो रही है, वेवलेंथ बढ़ रही है, तरंग दैर्ध्य बढ़ रही है, ठीक है। तो जिनकी तरंग दैर्ध्य, जैसे अगर रेड कलर का क्या है, रेड कलर का सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य है, मतलब कि ये अपने से नीचे तरंग दैर्ध्य वाली लाइट को, अपने से नीचे की उस कलर की लाइट को जिनका वेवलेंथ कम है उनको एब्जॉर्ब करेगा, उनको एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन ध्यान दीजिए कि येलो कलर है, येलो कलर है, येलो कलर के वेवलेंथ क्या है, तरंग दैर्ध्य जो है वेवलेंथ, वो लाल कलर से कम है, लाल कलर से कम है, और लाल कलर ही उस पे क्या कर जा रहा है, उस पे छोड़ा जा रहा है, उसके ऊपर एक्सपोज किया जा रहा है लाल कलर, तो वो लाल कलर को एब्जॉर्ब तो कर ही नहीं पाएगा, और एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो लाल कलर को क्या करेगा, लाल कलर को ही रिफ्लेक्ट करेगा। और किसी भी वस्तु का रंग क्या होता है, जो चीज वो, जो रंग को वो कोई वस्तु परावर्तित करती है वही वो उस वस्तु का रंग हो जाता है, ठीक है। तो लाल कलर को मतलब एब्जॉर्ब ना करके रिफ्लेक्ट कर रही है, मतलब वो पीला फूल किस तरह दिखेगा लाल कलर की लाइट में, लाल ही दिखेगा, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा कि अपने अगर किसी भी लाइट की वेवलेंथ ज्यादा है, ठीक है, किसी भी लाइट की वेवलेंथ ज्यादा है तो वो अपने से कम वाले वेवलेंथ को क्या कर सकती है, सोख सकती है। अगर यहाँ पे रेड कलर का फ्लावर होता, रेड कलर का ही फ्लावर होता, रेड कलर के फ्लावर पे आप येलो लाइट डालते तो लाल कलर का फ्लावर सोख लेता येलो लाइट को, क्यों, क्योंकि येलो लाइट का वेवलेंथ लाल से कम ही है, लाल से कम है, तो उसको सोख लेता, और सोखने के बाद कुछ भी जब वो परावर्तित नहीं करता, सारा अवशोषित कर लेता, लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता और कुछ भी रिफ्लेक्ट ना करता, तो वो रेड कलर का रोज किस तरह दिखने लगता, ब्लैक कलर का, ठीक है। जब कोई वस्तु कोई किसी भी तरह का कलर को क्या करे, परावर्तित ना करे, रिफ्लेक्ट ना करे, तो वो किस कलर की दिखती है, काली कलर की दिखती है, तो वो लाल कलर का गुलाब ब्लैक दिखने लग जाता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34th कि इन रेफ्रिजरेटर्स फ्रीजर इज सेट एट द टॉप इज एन एप्लीकेशन ऑफ, रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर शीर्ष पर सेट होता है, यह किसके अनुप्रयोग को दर्शाता है, यह दर्शाता है संवहन के अनुप्रयोग को, किसको दर्शाता है, संवहन के, कन्वेक्शन करंट जो होती है रेफ्रिजरेटर्स में, कन्वेक्शन करंट उसको ये दर्शाता है रेफ्रिजरेटर्स में, ठीक है। कंडक्शन चालन, कंडक्शन किस में होता है, कंडक्शन तो सॉलिड्स में होता है, तो ये तो ऑप्शन में होगा ही नहीं, सॉलिड्स में कंडक्शन होता है, तो ये संवहन इसका आंसर हो जाएगा। ये मैंने बताया था कि क्या होता है, जो फ्रीजर होता है, फ्रीजर में ऊपर ये फ्रीजर होता है, और ये क्या होता है, कूल होता है, ठंडा होता है, ठीक है। और नीचे क्या होते हैं, नीचे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो नीचे अणु होते हैं, ये क्या होते हैं, गर्म होते हैं, तो गर्म मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी, घनत्व तो कम होता है, ये ऊपर की तरफ जाते हैं, ऊपर की तरफ, और फ्रीजर में जो ठंडे मॉलिक्यूल्स हैं वो किधर आते हैं, नीचे की तरफ आते हैं, ये ऊपर जाते हैं, मॉलिक्यूल्स नीचे आते हैं, तो यहाँ पे एक कन्वेक्शन करंट होती है, एक यहाँ पे कन्वेक्शन करंट बनती है, जिसके कारण हमारी फ्रिज क्या रहती है, ठंडी रहती है, तो इसका आंसर क्या होगा, कन्वेक्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि 35 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नेचुरल मैग्नेट, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक चुंबक है, प्राकृतिक चुंबक मैग्नेटाइट है, इसको याद कर लीजिए,
एक ही प्राकृतिक चुंबक पाया जाता है, क्या है वो? मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट क्या है? ये एक आयरन का ओर है, ये लौह अयस्क है, आयरन का एक ओर है मैग्नेटाइट, आयरन ओर है, ये लौह का अयस्क है मैग्नेटाइट, जिसमें क्या होती है चुंबकीय गुण देखे जाते हैं, जो है ना, इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज मिलती है नेचुरली, है ना, प्राकृतिक तौर पर एक मैग्नेट है इसे, जिसे हम क्या कहेंगे, मैग्नेटाइट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नेचुरल मैग्नेट, ठीक है, तो ये थोड़ा आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी पिगमेंट, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक वर्णक नहीं है? तो आप ये जान लीजिए कि जो प्राइमरी कलर्स होते हैं, जो प्राइमरी कलर्स होते हैं वही सेकेंडरी पिगमेंट्स होते हैं, द्वितीयक वर्णक होते हैं, सेकेंडरी पिगमेंट्स होते हैं, द्वितीयक वर्णक होते हैं, ठीक है। तो आर बी जी क्या थे? प्राइमरी कलर्स, तो यही चीज क्या हो जाएंगे, द्वितीयक वर्णक या सेकेंडरी पिगमेंट्स हो जाएंगे, आर बी जी। तो इसमें बचा क्या? बचा पीला कलर, पीला कलर नहीं है द्वितीयक वर्णक, पीला अब क्या है, वहां पे मैंने बताया था सेकेंडरी कलर्स मैजेंटा सियान प्लस येलो सेकेंडरी कलर्स हैं, तो ये क्या है, प्राइमरी पिगमेंट्स हैं, ठीक है, दोनों का जस्ट अपोजिट है, दोनों का जस्ट अपोजिट है, पिगमेंट्स और कलर्स में दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, जो कलर में प्राइमरी था वो पिगमेंट में सेकेंडरी हो जाएगा, तो येलो क्या है, येलो प्राइमरी पिगमेंट है, प्राइमरी पिगमेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 37, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन सेंटीग्रेड एंड फारेनहाइट। जैसे कि मैंने बताया था सेंटीग्रेड एंड फारेनहाइट -40 पे एक बराबर होते हैं, और मैंने एक फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला क्या था, C/5F -32/9। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन सेंटीग्रेड और फारेनहाइट, सेंटीग्रेड और फारेनहाइट के बीच सही संबंध कौन सा सूत्र बताता है, कौन सा फॉर्मूला बताता है, तो क्या है ये, C/5F -32/9, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि विच एलॉय इज यूज टू मेक क्लॉक पेंडुलम, क्लॉक पेंडुलम बनाने के लिए किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, थोड़ा सा रटने जैसा है, इनवार आप याद कर लीजिए, इनवार जो होता है वो एलॉय है, एलॉय उसको यूज क्या किया जाता है, क्लॉक पेंडुलम बनाने के लिए यूज इसका किया जाता है, ठीक है, तो ये तो आपको थोड़ा सा याद करना होगा, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, क्लॉक पेंडुलम बनाने के लिए कौन सा एलॉय का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो क्या किया जाता है, इनवार एलॉय का यूज किया जाता है, क्यों, क्योंकि ये अगर मतलब क्या है, इसकी स्पेसिफिक हीट काफी अच्छी है, ठीक है, अगर आप मतलब ये जो स्पेसिफिक हीट अच्छे होने से क्या होगा कि अगर बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा ठंडी है, तो इसके प्रॉपर्टीज में बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगा, और वो क्या है, पेंडुलम बेसिकली जब आपकी घड़ी में चलता रहता है तो आपकी घड़ी का समय हमेशा सही बताना चाहिए, है ना, वो ऐसी चीज से बना रहे कि बाहर के तापमान बढ़ने घटने से बहुत ज्यादा उस पर असर ना पड़े, है ना, कुछ इस तरह की धातु या एलॉय होना चाहिए, तो उसके लिए क्या यूज किया जाता है, इनवार एलॉय यूज किया जाता है, ठीक है, तो इसको आपको थोड़ा सा याद रखना है। चलिए 39 देखते हैं, इफ वी कट अ मैग्नेट वी गेट, अगर हम चुंबक को काटते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, हमें प्राप्त होते हैं छोटे छोटे स्मॉल मैग्नेट्स, बाकी ऑप्शन एकदम फर्जी हैं, बाकी ऑप्शन एकदम फर्जी हैं, अगर कोई बड़ा सा मैग्नेट है, कोई बड़ा सा मैग्नेट है, एक नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, इसको मैंने बहुत सारे टुकड़ों में काट दिया, तो जो छोटे छोटे मैग्नेट मिलेंगे वो भी क्या होंगे, वो भी छोटे छोटे मैग्नेट ही होंगे, ऐसा नहीं होगा कि उत्तरी ध्रुव अलग हो गया, है ना, उत्तरी ध्रुव अलग हो गया, दक्षिणी ध्रुव अलग अलग हो गए, ठीक है, उत्तरी ध्रुव अलग ले लिया, या बहुत सारे उत्तरी ध्रुव ही मिल गए, या बहुत सारे दक्षिणी ध्रुव ही मिल गए, ऐसा नहीं होगा, क्या होगा, वहां पे छोटे छोटे चुंबक के रूप में वो बंट जाएगा, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट 40 क्वेश्चन अपना देखते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज शॉर्टेस्ट वेवलेंथ एंड हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ एंड हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, गामा किरणें, कौन सी है, गामा किरणें, ऑलमोस्ट अभी तक में आपको ये याद हो गया होगा, RMIVUXY, वाई गामा मतलब कि ये वेवलेंथ सबसे कम है, वेवलेंथ इसकी सबसे कम है, फ्रीक्वेंसी इसकी सबसे ज्यादा है, ये वेवलेंथ के बढ़ने का क्रम है, तरंग दैर्ध्य के बढ़ने का क्रम है, और ये किसका क्रम है, ये फ्रीक्वेंसी के आवृत्ति के बढ़ने का क्रम है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लगभग 160 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, 160 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, अगला सेशन आएगा 40 क्वेश्चंस का, देन आपका बेस्ट 200 MCQ सीरीज कंप्लीट हो जाएगी, और इसके बाद मैं जो 240 क्वेश्चंस रिकॉर्ड करूंगा, देन इसके बाद मैं एक कंप्लीट 200 MCQ का पैकेज बना के बेस्ट फिजिक्स 200 MCQs फिर से वीडियो अपलोड करवाऊंगा, एंड इसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए बेस्ट केमिस्ट्री के MCQs सेशन लेके आऊं, ठीक है।